हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग हाउ आर यू ऑल आई यू ऑल आर फाइन टुडे वी विल डू वर्कशीट फिफ्टी सिक्स रीड द गिवन बिलो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज ये वर्कशीट भी आपके बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक उसमें से एक्सट्रैक्ट लिया गया है और नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं उस एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड आपको उनके आंसर देना है ओके okay, स्टूडेंट तो सैटरडे ट्वेंटी जून नाइनटीन फोर्टी टू डी रेस्ट कि ये जो है एनी फ्रैंक की डायरी है जैसे कि इसका टाइटल ही आपको पता लगा क्या है इस चैप्टर का नाम क्या है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक तो ये एनी फ्रैंक की डायरी है एनी फ्रेंक इसमें क्या है एक छोटी लड़की है वो अपने व्यूज़ को इसमें लिखती है डायरी के रूप में तो ये देखिए उस लड़की ने पहले देखो ये डे दे लिखा है फिर डेट लिखी है और फिर जो है सल्यूटेशन है तो ये हम किस में करते हैं डायरी राइटिंग में करते हैं आपने सिक्स सेवन्थ एथ नाइन्थ में डायरी राइटिंग सीखी होगी तो इसमें एनी फ्रेंक की डायरी है ये ओके आवर एंटायर क्लास इज़ क्वैकिंग इन इट्स बोट्स क्वैकिंग इन इट्स बूट्स इडियम्स हैं जिसका मीनिंग होता है फाइट हैंडिड डरे हुए होना हमारी सारी क्लास डरी हुई थी द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट होम एंड हु विल बी कैप्ट बैक क्यों रीज़न क्या था इसके पीछे डरे हुए क्यों थे सभी क्योंकि जो आगामी मीटिंग थी जो मीटिंग होने वाली थी उसमें टीचर्स को डिसाइड करना था कि कौन बच्चा अगली क्लास में जाएगा और कौन बच्चा उसी क्लास में रह जाएगा रिजल्ट डिक्लेरेशन होती है तब आप लोगों को भी डर लगता है जब आपका टेस्ट का रिजल्ट आता है तो ऐसे ही वो सब टेरिफाइड थे ओके हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स आधी क्लास जो शर्त लगा रही थी बैट लगा रही थी जी एन एंड आई लाफ ओवर सेल्फ सिल्ली एट द टू बॉयज बिहाइंड जी एन और मैं हंस रहे थे क्योंकि हमारे पीछे दो लड़के थे सी एन एंड जैकस हु हैव आस्क देयर इंटायर होलीडे सेविंग्स ऑन देअर बैट जिन्होंने अपनी हॉलीडे की जो सेविंग थी वो बैट में लगा दी थी दाऊ पर लगा दी थी क्या क्या बैट लगाई थी फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट सुबह से लेकर रात तक इट्स यू आर गोइंग टू पास जो है सी uh, एन कह रहा था कि आप जो है पास हो जाओगे तो दूसरा नो आई नोट नहीं मैं नहीं हूँ yes, no, नहीं मैं नहीं हूँ क्लेडिंग ग्लैंसेस एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट हालांकि मैंने उसने भी घूर कर देखा मेरी फ्रेंड ने और मैंने भी गुस्से में कांट कामतेम डाउन लेकिन फिर भी वो शांत नहीं हुए इफ़ यू आस्क मी यदि तुम मुझसे पूछोगे यहाँ पर आई कौन है आई एनी है क्योंकि एनी ने ये डायरी लिखी है यदि तुम मुझसे पूछोगे देर आर सो मैनी डमीज डम डम क्या होता है जो स्टूडेंट बिल्कुल कमजोर होते हैं दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास क्लास में वन फोर्थ बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल ही थे सुड बी कैप्ट बैक उनको उसी क्लास में रखा जाना था बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन आर्थ देखो ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कितनी मेचोरिटी भरी हुई स्टेटमेंट है एनी ने कहा कि लेकिन टीचर्स इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर हैं वो क्या करेंगे फ्यूचर में क्या उनके पीछे जो है इच्छा होती है एम होता है ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता तो टीचर्स यहाँ पर किया है अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं जिनके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि अब वो ये काम करेंगे ओके okay, स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिए बिल्कुल आसान सा है विच ट्रम्प वुड एक्सप्लेन बेस्ट द अबाउ रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ द पर्सनल एक्सपीरियंस जो ऊपर रिटर्न रिकॉर्ड है तो ये क्या है ये इस राइटिंग uh, स्टाइल को हम क्या बोलते हैं पैराग्राफ है कि डायरी है क्या है ये देखिए ऑप्शंस देखिए आर्टिकल नो ए लेटर लेटर है ये कोई ए डायरी एंट्री यस सी ऑप्शन इज करेक्ट वन डायरी एंट्री है डायरी एंट्री में सबसे ऊपर हम डे डेट टाइम लिखते हैं फिर डायरी में स्लूटेशन करते हैं तो ये भी एनी फ्रेंक की पर्सनल डायरी है ए जर्नल जर्नल भी नहीं है तो फर्स्ट का आंसर है सी ए डायरी एंट्री सेकेंड क्वेश्चन इज द ईडियम क्वैकिंग इन द बुक्स क्वैकिंग इन द बोट्स का मीनिंग क्या होता है मैंने पहले भी बताया है फ्राइट हैंडिड डरे हुए को कहते हैं क्वैकिंग इन द बोट्स कॉर्सपॉन्ड टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग इमेज जिस नीचे इमेज दे रखी है तो कौन सी इमेज में टेरीफाइंग वाली फ्राइट हैंडिड वाली इमेज है ये देखिए फर्स्ट वाली फर्स्ट वाली देखो टेरीफाइड टेरीफाइड uh, इमेज है जब हम डरते हैं तो ऐसी इमेज जो है होती है ये स्लीपिंग की है तो स्लीपिंग वाली नहीं हो सकती ये देखिए ये भी डिप्रेशन की है थर्ड वन ये देखिए ये स्माइली है और ये एंग्री मूड को शो करती है तो हमें फाइटेंडिड वाली देखनी है तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो ड्री हुई इमेज टेरिफिक टेरीफाइड टेंशन वाली इमेज जो कि डर से ही संबंध है डिप्रेशन टेंशन में होते हैं तो ये इमोजी यूज़ करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट और थर्ड इमोजी जो है वो क्वैकिंग इन द बूट्स को शो करते हैं तो ये देखिए हमारा सी ऑप्शन ऑप्शन वन एंड थ्री ये हमारा आंसर है अब थर्ड क्वेश्चन देखिए पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स नहीं है स्टेटमेंट्स है तो नीचे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं कौन सा फैक्ट है और कौन सी हमारी ओपिनियन है फैक्ट तो आपको पता ही है जो हमेशा बात सच रहती है फैक्ट है ओपिनियन जब हम अपनी ओपिनियन बताते हैं किसी के पर्टिकुलर विचार बताते हैं ओके okay, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए द चिल्ड्रन आर वेटिंग ईगरली फॉर देयर रिजल्ट बच्चे जो है ईगरली वेट कर रहे थे अपना रिजल्ट डिक्लेरेशन का तो ये फैक्ट है तो फर्स्ट वन इज फैक्ट है सेकंड देखिए आई थिंक थिंक वर्ब आते ही समझना है ओपिनियन है मेरे विचार में तो किसी के पर्सनल विचार क्या होंगे ओपिनियन वो सबके लिए तो सच नहीं होंगे ना तो सेकंड वाली क्या है हमारी ये ओपिनियन है फर्स्ट वाला हमारा फैक्ट था थर्ड देखिए एनी सेम्स कॉन्फिडेंट तो एनी एनी अपने आप पे कॉन्फिडेंट थी अबाउट हर परफॉर्मेंस एजेंट सी अपनी परफॉर्मेंस के बारे में क्या नहीं तो ये भी क्या Opinion है ओपिनियन है ओके नेक्स्ट वन देखिए फोर्थ वन स्टूडेंट्स हैव स्पेंट ऑल देयर होलीडे सेविंग्स ऑन बैटिंग सम स्टूडेंट्स कुछ बच्चे जो है अपने हॉलीडे सेविंग को बैटिंग में लगा रहे थे कि वो पास होंगे कि नहीं होंगे तो ये क्या है ये भी हमारा फैक्ट है तो इसमें फैक्ट कौन से आए वन और फोर्थ तो ये देखिए हमारे सी ऑप्शन देखिए वन और फोर फैक्ट है एंड टू एंड थ्री हमारी ओपिनियन है तो इसका आंसर है सी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूजेज ऑफ क्वार्टर एज यूज इन द पैसेज टू फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स पेश अब क्वार्टर का मीनिंग इसमें क्या है हाफ ऑफ द क्वार्टर ये देखिए हमारे इसमें कहाँ पर क्वार्टर यूज़ किया गया है ये देखिए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी कैप्ड बैक कि वन फोर्थ बच्चे जो है उसी क्लास में रहने लायक थे तो इसमें देखिए वन फोर्थ कौन से स्टेटमेंट में जो है क्वार्टर का यूज़ वन फोर्थ के रूप में हुआ है ए में देखिए ही वह स्टेइंग विद इस फैमिली इन ए गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं यहाँ पर क्वार्टर का मतलब होम होता है क्वार्टर तो यहाँ पर होम के रेफरेंस में इस पैराग्राफ में नहीं या इसमें तो है वन फोर्थ के रूप में मिसेल्स और वन द रेश इट हैज़ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर इसमें भी नहीं है देखो वन फोर्थ के रूप में क्वार्टर का यूज़ सी में देखिए यस हर स्कूल बिगिनस एट क्वार्टर पास्ट एट इन द मॉर्निंग उसका स्कूल जो है सुबह कितने बजे क्यू यू ए आर टी ई आर क्वार्टर कितना होता है सिक्सटी मिनट्स का क्वार्टर वन फोर्थ कितना होगा फिफ्टीन तो सवा आठ बजे जो है सुबह उसका स्कूल शुरू होता है तो यहाँ पर क्वार्टर का मतलब है वन फोर्थ ऑफ द आवर घंटे का वन फोर्थ तो ये सी ऑप्शन में सही है सी में आएगा क्वार्टर जिसका मीनिंग है वन फोर्थ जो कि हमारे पैराग्राफ में है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन वट वाज हाफ ऑफ द क्लास बैटिंग अबाउट आधी क्लास किसके बारे में बैट लगा रही थी किसके बारे में कि कौन स्टूडेंट पास होगा कौन स्टूडेंट फेल होगा यही तो बैटिंग कर रहे थे ये देखिए तो मतलब रिजल्ट के बारे में द हाफ ऑफ द क्लास वॉज बैटिंग अबाउट द रिज़ल्ट ऑफ द क्लास क्लास के रिजल्ट के बारे में वो शर्तें लगा रहे थे कि आप पास हो गए आप फेल हो गए नहीं मैं नहीं होऊंगा तो देवर बेटिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ द क्लास अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वाई डू यू थिंक सी एन एंड जैकस वर बैटिंग एंड वाज द रिएक्शन ऑफ जी एन एंड द राइटर आपको बताना है कि वाई डू यू थिंक आप क्यों सोचते हो कि सी एन और जैक जैकस और बैटिंग बैटिंग क्यों लगा रहे थे वो एंड वट वाज द रिएक्शन ऑफ जीएन एंड द राइटर राइटर पर एनी है और एन ए की और जी एन की क्या रिएक्शन थी इसका आंसर हमें फोर्टी टू फिफ्टी वर्ड्स में देना है तो ये देखिए इसका आंसर सी एन एंड जैकस हैड स्टेक देयर इंटायर हॉलीडेज सेविंग्स ऑन देयर बेट जी सी एन और जैकस ने अपनी जो है पूरे छुट्टियों की जो सेविंग थी वो दाव पर लगाई थी बेट पर लगाई थी फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट दे ओनली आर ऑन द फैक्ट वेदर ही वुड पास ऑन नोट सुबह so, से रात तक वो यही आर्ग्यू कर रहे थे कि आप पास हो गए नहीं हो जीएन जी एन एंड एनी लाफ्ट हर्ट टू सी ऑल दिस सिली बॉयज मेकिंग बैट्स ऑन स्टोप थिंग्स जी एन और एनी जो है वो हंस रहे थे इन मूर्ख बच्चे जो कि स्टूपिड थिंग्स के ऊपर शर्त लगा रहे थे बैट लगा रहे थे ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन लास्ट क्वेश्चन ओके ऑफ द वर्क सेट इफ यू आस्क मी यदि तुम मुझसे पूछोगे देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी कैप्ट बैक यदि तुम मुझसे पूछोगे यहाँ पर मैं कौन एनी है तो वन क्वार्टर क्लास जो है उसी क्लास में रहने लायक थी बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रीडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ लेकिन टीचर जो है इस धरती पर सबसे ज्यादा जिसके बारे में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते वो क्या करेंगे अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं अर्थ पर वट डू यू थिंक एनी वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस थ्रू सच स्टेटमेंट अब क्या सोचते हैं कि एनी स्टेटमेंट के थ्रू क्या कहना चाहती है इसका आंसर हमें देना है हंड्रेड टू वन फिफ्टी वर्ड्स के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये देखिए इसका आंसर द स्टेटमेंट सोच दैट सीड एन ओपिनियन ऑन एवरीथिंग स्टेटमेंट दिखाती है कि एनी की ओपिनियन ओपिनियन बताई गई है एनी की कि वो क्या सोचती है क्लास के बारे में कि कितने बच्चे फेल होंगे इट शोज हर मेच्योर थिंकिंग इसमें ऐनी कि मेच्योर थिंकिंग पता लगती है जब उसने स्टेटमेंट कितने फेमस स्टेटमेंट दी है कि टीचर्स आर अनप्रिडिक्टेबल इससे मेच्योर थिंकिंग थी वो छोटी बच्ची थी लेकिन थिंकिंग उसकी मेच्योर थी एंड हर कॉन्फिडेंस इन हर सेल्फ और अपने ऊपर उसको कॉन्फिडेंस था कि वो तो हंड्रेड परसेंट पास ही होगी सी थोट दैट क्वार्टर ऑफ हर क्लास वॉज फुल ऑफ डमेज वो क्या सोचती थी कि वन क्वार्टर जो क्लास है उसकी वो मूर्ख बच्चे हैं मीन्स क्वार्टर ऑफ फॉर क्लास यूडेंट बी एबल टू मेक इट टू नेक्स्ट क्लास कि वन फोर्थ बच्चे अगले क्लास में जाने लायक नहीं है बट सी वॉज श्योर अबाउट हर सेल्फ अपने ऊपर उसको कॉन्फिडेंस था कि वो अगली क्लास में जाएगी सिग्निफाइंग दैट सी हर सेल्फ वॉज इंटेलिजेंट इनफ टू मेक इट टू नेक्स्ट क्लास वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी इसलिए वो अगली क्लास में जाने लायक थी सी थॉट ऑफ टीचर्स आर एज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएटर्स ऑन अर्थ वो सोचती थी कि टीचर्स अनप्रिडिक्टेबल क्रिएटर्स हैं इस अर्थ पर बिकॉज नो मोडी कुड से विच स्टूडेंट दे विल फेल एंड विच स्टूडेंट दे विल पास कि पता नहीं वो अनप्रिडिक्टेबल है किन बच्चों को पास कर दे और किन को फेल करने कर दे ये बताना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि टीचर्स जो है वो अनप्रिडिक्टेबल हैं तो स्टूडेंट ही बिल्कुल आसान सी वर्कशीट थी आपको स्टूडेंट ये पूरा चैप्टर पढ़ना है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रेंड बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ओके स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग हैवी नाइस डे